आपको लगता है मोदी जी की लीडरशिप में भ्रष्टाचार हो रहा है? 30% का भाव वहाँ पे लगातार चल रहा था। पूछो इनसे, नड्डा जी से अंदाज करिए, आदरणीय लोगों से पूछिए, क्या भ्रष्टाचार नहीं था? आप ये बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। गोवा में शासन किसका? भाजपा का। फिर गोवा में जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो ये क्यों बोलता है कि हम आपको गौ का ओरिजिनल मांस खिलाएंगे, क्यों बोलता है? और वही आप अखिलेश कुमार डालते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। समझ में नहीं आता क्या? जिनको नहीं समझ में आता उनको समझाओ, लेकिन जिनको समझ में आता वहाँ पे ये बुरादा मत डालो। हमको समझ में आ रहा है, दारू को ठेका का कमीशन, पीडब्ल्यूडी का कमीशन, कौन सा ऐसा कमीशन है जो नहीं खाया जा रहा है? ये क्या ईमानदारी यहाँ होगी? नीचे पूरी बेईमानी छाई हुई है। शिला पूजन का समय आया छत्तीसगढ़ में, मैंने अकेले ने 3000 जगह पूजन कराया टेला डगेल के, और एक भी भाजपा का मंत्री नहीं था उसमें, जो पिछली बार में 15 साल मंत्री बने, एक भी नहीं था। फिर सारे भाजपा के मंत्री पीछे लौट आए, फिर मैं वापस लौटा, मैंने कहा नहीं जाओगे तो उनको सबका बयान जाकर डिक्लेयर करूंगा कि राम राम की बात करते हो, पहले चलने के लिए तैयार नहीं। भाजपा के शासन में हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ हमारे आदिवासी बेल्ट में। हमारे साथ भी बहुत सारे मुसलमान लड़के हैं जो लोग काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो हम लोग की विचारधारा उस पर काम करते हैं, देश हित की विचारधारा पे काम। मतलब जिसके साथ रोजी रोटी का कारोबार होगा तो वो देश भक्त, नहीं सर, बाकी गरीब मजलूम अगर मुसलमान है तो वो देश नहीं है। देखिए सर क्या है, हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर शिवसेना का एक दिवसीय धरना चल रहा है और इनकी मांगे जो हैं वो इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ है धनंजय सिंह परिहार जो शिवसेना के प्रमुख है। सर क्या मांग है आपकी? हमारा मांग देश हित से संबंधित है जी, और कुछ स्टेट की डिमांड्स हैं जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि देश के अंदर में एक जैसा कानून होना चाहिए सबके लिए, और ये जो कानून है ये सबको लागू भी होना चाहिए, और जो इन कानूनों को ना माने उनके खिलाफ तगड़ी प्रतिबंधात्मक धाराओं का उपयोग होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बरेली के पास में एक विजन 2047 कुछ रेडिकल मुस्लिम्स के द्वारा निकला, सब मुसलमान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो लोग शामिल हैं उन लोगों ने निकाला। तो 2047 में इनका कहना है कि हम 10% लोग रोडों पर होंगे, और ये जो हिंदू जो कमजोर कौम है ये सड़कों पे उतर नहीं सकेगी, हम देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और उसमें सहायता मांगा उन्होंने तुर्की से, ईरान से, इराक से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। हमारा विरोध उसका भी है कि कानून एक सबके लिए लागू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो उतना बढ़े जितना सरकार कानून का पालन करे। अगर हिंदू 2 कर रहा है 3 कर रहा है, सरकार जो डिसाइड करे वैसा सबके साथ डिसाइड हो। इसमें भगवान की दया से हो गया, खुदा की दया से हो गया, ऐसा नहीं भाई। कानून सबके लिए लागू तो सबके लिए लागू, उसमें कोई भी इफ किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। सर अभी लेकिन एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें पिछले कई सालों से बताया गया है कि मुसलमानों का जो जनसंख्या का अनुपात ग्रोथ रेट है वो पिछले कई सालों में घटा है। अच्छा, ये ओवैसी ने बोला, आप ओवैसी की बातों को सच मत मान। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पूरा यूरोप जब से सीरिया का अटैक हुआ है, जबकि सीरिया से लोग भाग के जब यूरोप में घुसे हैं, आज ब्रिटेन के अंदर में वहाँ का जो मेयर है लंदन का वो पाकिस्तानी है, ये आपको बताऊं मैं। और यही स्थिति पूरे यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन सब जगहों पर 50% सहभाव 2025 में हो जाएंगे लोग, 2025 में इस तेजी से घुसे हैं तो क्या हिंदुस्तान में भी हम यही लाएंगे? और जर्मनी के हाईवेज पर बोर्ड लगा हुआ है, आपको बताऊं मैं, कि अगला बच्चा जो होगा वो खुदा के नाम पे होगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? ईसाइयों का देश है, और वहाँ पर आप मांग कर रहे हो नहीं हमारा ये होने वाला है? यानी आप सोचिए रेडिकलाइजेशन, विस्तारवाद किस तेजी से, इस विस्तारवाद को हिंदुस्तान में मरने देंगे क्या? मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बहन है, हम सबकी बहन बेटियाँ हैं, क्या हम आने वाले 10 साल बाद इन लोग के ऊपर खतरा आने देंगे क्या? हम खतरा ना आए उसके लिए देश हित और हिंदू हित के लिए हमारा संघर्ष जारी है। क्या देश के प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है? इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, दुनिया में डंका बज रहा है। डंका तो बजा रहे हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड है उसको तो हम मांगेंगे ना। हम बोल रहे हैं कि घी, रोटी, दाल, चावल, इसमें से टैक्सेशन कम करो, लोगों को खाने दो। ये जो आप हर जगह पे आप रोड पे टैक्स ले लेते हो, उसके बाद फिर आप टोल टैक्स अलग लेते हो, इसको बंद कर दो। जो सरकार में भ्रष्टाचार मच रहा है, ये दिल्ली में क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन पूरे देश के अंदर में 30% का कमीशन का भाव चल रहा है, सारे प्रदेशों में पैसा खाया जा रहा है। हम सरकार से कह रहे हैं कि आप इन सब का जाँच करो, और इन लोगों को जो पैसा खा रहे हैं इन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करो, जिससे वो पैसा लोगों के, आम जनता के हितार्थ उपयोग हो, अब चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए उपयोग हो। आपको लगता है मोदी जी की लीडरशिप में भ्रष्टाचार हो रहा है? आपका दिल्ली में हो रहा है नहीं हो रहा उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार थी, 30% का भाव तो वहीं से बता रहा हूँ मैं आपको, सन 2003 से लेकर सन 2000 ये आखिरी तक, अभी तो 2.5 साल से कांग्रेस बैठी है, 30% का भाव वहाँ पे लगातार चल रहा था। पूछो इनसे, नड्डा जी से अंदाज करिए, आदरणीय लोगों से पूछिए, क्या भ्रष्टाचार नहीं था? ये बता दें नहीं था तो मेरा नाम बदल दो, आप मेरा नाम भी लिख लो। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी संसद बनवा रहे हैं जी, उसके उस पर भरोसा नहीं है? देश तरक्की कर रहा है, लोगों को अग्निपथ जैसी स्कीम के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। संसद बना रहे हैं तो सारे इक्विप्ड आने वाले वक्त के हिसाब से बनाया जा रहा है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। अग्निवीर प्रणाली पे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप ये बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। ठीक है, देश में
गोवा में शासन किसका? भाजपा का। फिर गोवा में जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो ये क्यों बोलता है कि हम आपको गौ का ओरिजिनल मांस खिलाएंगे, क्यों बोलता है? और वही आप अखलाक को मार डालते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और थर्ड फेज का जब चुनाव होता है उसके चार दिन पहले अखलाक मरता है, और चार दिन बाद जब चुनाव होता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो 39 में से 38 सीटें भाजपा जीतती है। ये तमाशा है क्या? समझ में नहीं आता क्या? जिनको नहीं समझ में आता उनको समझाओ, लेकिन जिनको समझ में आता वहां पे ये बुरादा मत डालो, हमको समझ में आ रहा है। तो हमारा ये कहना है जो करो वो ईमानदारी से करो और ईमानदारी से उस चीज़ को लागू करवाओ। लेकिन इनके लोग पैसा खा रहे हैं, ये जहां सत्ता में वहां पे कमीशन खाते हैं, ये दारू का ठेका का कमीशन, पीडब्ल्यूडी का कमीशन, कौन सा ऐसा कमीशन है जो नहीं खाया जा रहा है? ये क्या ईमानदारी यहां होगी? नीचे पूरी बेईमानी छाई हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। लेकिन सर पंजाब में तो आपको देखो हार मात खानी पड़ी, सिंधे साहब को तोड़ लिया उन्होंने और आपकी सरकार की। महाराष्ट्र में नहीं टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या भाजपा के लोग नहीं टूटे थे? क्या कांग्रेस के लोग नहीं टूटते हैं? क्या देश में देखिए ये तोड़फोड़ चलती रहती है, लेकिन पार्टियां वहां से चलती है जहां पर उसका बेस कैडर होता है, और बेस कैडर हम लोग हैं। जहां पे बेस कैडर है वहां पार्टी है, ये हमारा मानना है। नेता आते और जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा आने वाले 2 साल बाद कि उनको उसका हटने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। और देश के इतिहास में ये गवाह है कि जितने लोग ऐसे हट के किसी और पार्टी को ज्वाइन किए उसमें से 20% मात्र जीत पाए, आज तक के इतिहास है, सब लोग नहीं जीत पाते। आज भी जो है 12 सांसदों ने जो है ओम बिरला जी को लिखा है कि हमारा जो प्रतिपक्ष नेता है सदन में संसद में वो चुना जाए, क्योंकि संजय रावत जी से वो निराश हैं, उतासे बगावती थे। और देखिए हो सकता है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि सबको निराश हो, देश में और भी जगह पे सब जगह पार्टियाँ हैं, वो हो सकता है कि केंद्रीय वजह से नाराज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है कि पार्टी के लिए उसका नमक हक अदा करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और जिन्होंने कुछ पा लिया उनको तो हक अदा करना ही चाहिए, ये हक अदा नहीं कर रहे, ये इनके इनमें इनके अंतरात्मा इनको कैसे गवाह दे रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर आप बीजेपी को टक्कर कैसे देंगे, क्योंकि बीजेपी पूरे भारत में इतना बड़ा कैडर है उनके पास, और वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हित के पार्टी है, और आप दावा करते हैं कि आप लोग। देखिए मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, जब शिला पूजन का समय आया छत्तीसगढ़ में, मैंने अकेले ने 3000 जगह पूजन कराया टेला ढकेल के, और एक भी भाजपा का मंत्री नहीं था उसमें, जो पिछली बार में 15 साल मंत्री बने, एक भी नहीं था। ये क्या बात करेंगे, हम लोग तो पैदल गए, हम लोग सब चाक घाट से जब पैदल जाना चालू किए इलाहाबाद के बाद में, तो सारे भाजपा के मंत्री पीछे लौट आए, फिर मैं वापस लौटा, मैंने कहा नहीं जाओगे तो उन लोगों का सबका बयान जाकर डिक्लेयर करूंगा कि राम राम की बात करते हो पैदल चलने के लिए तैयार नहीं, सबको पैदल लेके गया मैं। ये कहाँ, ये तो बनते ही साथ, जैसे ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ वैसे ही इन लोगों के तीनों लोगों ने बोल दिया अरे ये क्या हो गया, हमें तो शर्म है, ये देश के इतिहास के साथ क्या हो गया। अरे तब बाला साहब ठाकरे अकेले थे जिन्होंने बोला अगर जो हुआ उसका हमें गर्व है, तो ये भी कहने वालों के दम होनी चाहिए, ये तो उसी बात पलट गए थे, बाद में उसी के नाम पे वोट लिया इन्होंने। तो सबका अपना अपना वर्जन वक्त के साथ बदलता है, कभी वक्त के साथ आता है। बीजेपी जो है या मोदी जी जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात कर, नहीं नहीं बीजेपी के कुछ लोग जो लोग राज्य सत्ता में रहे वो लोग फर्जी हैं, बोलो तो राम का नाम तक नहीं लेते थे, आप क्या बात करोगे। भाजपा के शासन में हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ, हमारे आदिवासी बेल्ट में सबसे ज्यादा आदिवासी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, और ये सुनने के लिए राजी नहीं थे तत्कालिक मुख्यमंत्री, सुनते नहीं थे, कार्रवाई नहीं करते थे, तो इसमें झूठा नहीं लगेगा? अब बताओ झूठा नहीं लगेगा? और आप अगर वहां से आप मुसलमानों को अलग से जमीन दे दोगे, उनका हज यात्रा करने के लिए अलग से 1000 एकड़ की जमीन दे दोगे, पैसा अलग से दे दोगे, तो हमारा विरोध नहीं होगा। आप मंदिरों का सुरक्षा नहीं करते, मंदिरों को बनाते नहीं, आप मस्जिदों के अंदर में जो नमाज अदा कराते हैं आप उनको अलग से मानदेय देते हो, क्यों देते हो? फिर मंदिर में पंडित को मानदेय क्यों नहीं देते? हमारा ये भी तो कहना है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको ये लोग लागू नहीं करे, जिसको कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुद्दे को बचा के रखा कि आगे करेंगे आगे करेंगे, ये बदमाशी हम लोग को ऐसा लगता है। लेकिन योगी जी और मोदी जी के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो मुसलमान है, अभी यूपी में लुलु मॉल खुला, यूसुफ अली जी उनके अच्छे दोस्त हैं, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या पे रोक लगे और एक तो सा कानून हो जनसंख्या में जनसंख्या योगी जी तो उनके... उससे क्या होता है, वो देशभक्त होगा लुलु मॉल वाला, और उसके साथ अगर योगी जी ने संपर्क किया तो योगी खुद अपने आप में देशभक्त आदमी है, तो उन्होंने अगर उससे संपर्क किया तो सब तौल के बांट के उसके हिसाब से किया होगा। जिनसे संपर्क होगा अगर वो लोग, हमारे साथ भी बहुत सारे मुसलमान लड़के हैं जो लोग काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो हम लोग की विचारधारा है उस पर काम करते हैं, देश हित की विचारधारा पे काम, मतलब जिसके साथ रोजी रोटी का कारोबार होगा तो वो देशभक्त, नहीं सर रोजी रोटी, बाकी गरीब मजलूम अगर मुसलमान है तो वो देशभक्त नहीं है। देखिए सर क्या है अगर वो योगी जी के साथ बिजनेस का कहा, अक्सर जो विरोध दर्ज करा रहे हैं ना वो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं जिनको बाहर से फंड आ रहा है, और बाहर से जिनके पास मुसलमान कंट्री से फंड आता है वो लोग देश के अंदर में रेडिकलाइजेशन, अली जी से ज्यादा फंड बाहर से किस पे आ रहा होगा उनका, तो दुनिया के कई देशों में लुलु मॉल वाले का हिस्ट्री आप पढ़िए, केरला का है, उसने कितने नीचे से चालू किया और पैसा कमा के आखिरकार उसने पैसों को लगाना चालू किया, वो देशद्रोही होता था अभी तक उसके ऊपर एनआईए और दुनिया भर की जांच बैठ जाती, नहीं बैठी है, वो लगातार वो काम कर रहा है जो देश के अंदर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। आज सऊदी
अरब वाले भी जम्मू कश्मीर के अंदर में बड़ा भारी 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि वो यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे परेशानी पैदा नहीं करेंगे, इसलिए उन लोग को सरकार ने आग्रह करके उनको बुलाया है। लेकिन अभी भी लुलू मॉल का जो है बायकॉट शुरू है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, इसको हमें भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी जाए। वो तो मुद्दा शासन ने समझा लिया और नमाज अदा करने वाले तत्काल कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग वहाँ पे रेडिकलाइजेशन पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार तुरंत ठीक करती है, हमारा यही कहना है। इसीलिए ऐसे तमाम स्थल कानून को लागू करना चाहिए। अभी आप दिल्ली के नई दिल्ली एयरपोर्ट T1 पे जाइए, आप T3 पे जाइए, आप वहाँ पे एक अलग से प्रार्थना सभा है और उसमें सिर्फ नमाज अदा करने का फोटो, मैंने उसका विरोध किया, सिर्फ नमाज अदा करने का, क्यों ऐसा भगवान का नहीं, क्यों ऐसा चर्च का नहीं, क्यों फोटो नहीं है? चारों पांचों आठों धर्म जितने हमारे देश के अंदर माने जाते हैं उन सबका फोटोग्राफ वहाँ पे होना चाहिए कि सब कोई आ सकते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों रहेगा? ये सरकार की गलतियाँ जिसको सुधारना चाहिए सरकार को, और वही डिमांड्स हम लोग किए हैं कि जो गलतियाँ आने वाले वक्त पे हो सकती है उसको हम आज सुधार लें। लेकिन सर अब सावन चालू हो चुका है, कांवड़ यात्रा निकल चुकी है, तो कांवड़ यात्रा जो लेके निकलते हैं श्रद्धालुओं के लिए रोड पर जो है बाकायदा टेंट लगाया जाता है, ट्रैफिक भी प्रभावित होता है, उस पर क्या राय है? अरे 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 आदरणीय, मैं दिल्ली में कल श्रावण यात्रा देख चुका हूँ और बहुत दूर से देखा मैंने, रोहिणी के उस पार से देखा मैंने, किनारे है, मुश्किल से 5 फीट की जगह जो है रोड को डाइवर्ट करना पड़ता है, 5 फीट की जगह है, ऐसा आरोप मत लगाइए। बेचारे श्रद्धालुओं में नंगे पैर जाते हैं, वो बेचारे कंधे में रख के जाते हैं, बुड्ढे जाते हैं, वो रोड पे आ जाएंगे, एक्सीडेंट ना हो जाए, मर खप ना जाए, इसलिए सरकार ने ट्रैफिक की तरफ से वो व्यवस्था किया है, वो बेचारे इज्जत से जाते हैं। और दिल्ली में ट्रैफिक जाम तो 20-20 मिनट 40-40 मिनट होता है, इसको किसको बोलोगे आप? वो उनकी वजह से कोई जाम नहीं हो रहा। कांवड़ियों के ऊपर कृपया मैं आपसे आग्रह करता हूँ उंगली ना उठाए। नहीं नहीं, जब धार्मिक है, हाँ नहीं, जब बात आती है कि धर्मी लोग कहते हैं, संविधान कहता है कि धर्म आप सबके लिए अपने बीच रोड पे नहीं चल रहे, बीच रोड पे नहीं चल रहे वो लोग, वो लोग बीच रोड पे नहीं चल रहे, किनारे चलते हैं, और किनारे चलते हैं परमिशन होती है, पुलिस लगती है, ट्रैफिक लगता है, बीच रोड पे बैठ के नमाज अदा नहीं कर रहे, वो किनारे बैठ के चुपचाप अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, ये फर्क है। चलिए थैंक यू सर, हमारे धनंजय जी हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बात रखी और उनकी डिमांड है कि CNRC लागू होना चाहिए, गोहत्या बंद होनी चाहिए और जो भारत में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। लेकिन कई मुद्दों पर इनका इख्तलाफ भी है जैसा आपने देखा। तो हम इस वक्त जंतर मंतर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद फैसल, जनहित आवाज़, दिल्ली।